अर्चना जी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू डार्लिंग। कसम से आज तो हमारे जो सैक्सोफोन में बैठे ना सर, ये बड़ा कमाल का बजाते हैं। आई नो, आपको देख के आज इनके सुर इधर उधर हो रहे हैं। आपको पता है इनकी सीट हमने वहां लगवाई थी। अच्छा? बोलते नहीं, मेरी कुर्सी इधर लगाओ, मैं फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। अर्चना जी, आज की शाम बड़ी मदमस्त, रंगीन, खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, ये हिंदुस्तान के नामचीन सिंगर्स हैं। 90s के दौर में ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी जिनमें इन तीनों का गाना ना हो। सो चलिए वन बाय वन इनको मंच पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट कुमार शानू जी। आ गया मैं। प्रणाम। जोरदार तालियां शानूदा के लिए। तो दोस्तों, अब मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम मिस्टर उदित नारायण। क्या बात है, क्या माहौल बना है। ये नए सीजन के लिए कपिल शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप हो कपिल, इसीलिए सब लोग आपसे करते रहते हैं अपील। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। आज हमने सोफा भी आपके हिसाब से बनवाया है। ये शूटिंग के बाद आपको दे देना हमने। क्या बात है, शुक्रिया। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात है यार। जी जी शंकर। कपिल, अर्चना जी बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। ये तो बात है। मैं रियली तेरा शो खाली देखता हूँ टीवी में। हाँ। और मेरे शो में खाली अर्चना जी को। हाँ, खाली। हाँ, तेरा शो भी, तेरा शो भी जैसा चलता जा रहा है, अर्चना भी चलते जा रहे हैं। मैं वही देखा। अभी दूसरी बात यह है कि जब तेरा ये शो बंद हो गया था जी, रियली 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 मैं इतना दुखी हो गया था। घर में जाके रात को ये हंसाते थे हमको रोज। आज मैं इतना खुश हूँ तेरे ये शो में आके। लव यू कपिल। मेरा कहना ये है कि अर्चना जी की तारीफ की हमारे कुमार शानू ने, लेकिन बहुत लेट हो गया। क्यों? बहुत पहले करना चाहिए था। और बात रही, कपिल जी के शो बंद नहीं हुए थे, ये बहुत बड़े एक्टर हैं, और अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए इसलिए बंद कर दिए ताकि और डिमांड बढ़ जाए। और वही तो दोस्तों, अब बारी है उनको यहाँ पे बुलाने की जो हमारे शो पे पहली बार आ रही हैं, और आप सब उनको, उनकी आवाज को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज वेलकम अनुराधा पौडवाल जी। जोरदार तालियां अनुराधा जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर मैं सच कहूँ तो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी आपके शो में आना। अरे मैम, प्लेजर, प्लेजर, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। और सच अ प्लेजर अर्चना जी, मीटिंग यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। यू आर जस्ट द सेम। थैंक यू सो मच। यू आर जस्ट ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। एवरग्रीन, एवरग्रीन, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स एवरग्रीन। 35 साल के बाद भी दादा ये बिल्कुल वैसे दिखते हैं। थैंक यू। 35 साल बाद ये तो हमें अपनी उम्र ही 34 बता रही है। इसीलिए तो अनुराधा जी ने तमा लेके आया। ये उदित सर, आज आप क्या खा के आए हैं? उदित सर, जोरदार तालियां हमारे तीनों लेजेंड्स के लिए। शानुदा, अनुराधा जी, उदित सर, आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। कसम से आज आप तीनों से मिलके, आपके गाने सुन के वो दौर याद आ गया। अर्चना जी, नहीं तू एक चीज मेरे को बता जी, कि तूने कभी सोचा था कि हम तीनों एक साथ आएंगे तेरे शो में? नहीं शानदा, मुझे पहले तो कभी नहीं लगा, लेकिन कल जब मुझे बताया कि आ रहे हैं, फिर मुझे लगा आ रहे हैं। जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था शानदा, सीरियसली। और मैं वही तो बताने जा रहा था कि हम लोग क्या करते थे उदित सर, ये करके एक कैसेट लेके ना, पुराने गाने जब हो गए सुन लिए, उसके बाद एक एक रुपया देके ना भरवाते थे आपकी कैसेट। हाँ मालूम है। कसम से, मतलब कैसेट टी सीरीज के होते थे, लेकिन जो रिकॉर्ड करता था उसके पास टाइम नहीं होता था। बड़ा बिजी, उसका एटीट्यूड भूषण कुमार से ज्यादा होता था, इतना बिजी। अच्छा उदित जी, शानुदा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हाँ।
अनुराधा जी, आप पहली बार आई हैं जी, इतना वक्त क्यों लिया आपने? आपने इतना वक्त क्यों लिया? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्या बात, अनुराधा जी ने फिल्मों में तो गाने गाए गाए, भगवान के इतने भजन गाए ना, मुझे पता था भगवान एक दिन आपकी जरूर सुनेगा। बोला था ना। अच्छा उदित जी, जब लास्ट टाइम आए थे ना अनुराधा जी, अपने बेटे के साथ आए थे, आदित्य के साथ, तो वो हमें बता रहे थे, कहते उदित जी ना घर में ज्यादा मतलब कपड़े वपड़े पहनते नहीं, तौले पहन के घूमते रहते हैं। तो अब तो बहू आ गई घर में, पूरे कपड़े पहनने में बड़ी तकलीफ होती होगी। अभी भी टावली में ही रहता हूँ क्योंकि किसान का बेटा हूँ। हाँ क्या बात, बिंग ए फार्मर सन, वो आदत तो कभी जाएगी नहीं। हाँ ये फार्मर का बेटा है, कभी खेत नहीं देखा लेकिन टावल जरूर देख लिया। आप बताओ कितनी बड़ी बात है। सर जिस प्रकार से आप बात करते हैं, स्माइल रहती है आपके फेस पे, सॉफ्टनेस, सुरीली आवाज है, तो आपको कभी माइथोसिल वालों का फोन नहीं आया कि हमारे यहाँ भगवान का रोल कर दो आप? देखिए ये सब एक नेचुरल जो होता है ना जी, ऊपर वाला बनाता है जिसको जिस तरह, राइट, तो वो फितरत जो है ना जी, वो बदलता नहीं है। मैंने देखा इतना स्माइलिंग फेस है, ये किसी के साथ अफसोस भी नहीं कर सकते कि बहुत बुरा हुआ, वो कहेंगे फिर आप क्यों हंस रहे हो। उदित सर और शानुदा इतने शरारती हैं ना, इनकी शरारतों को देखते ही अनुराधा जी ने ना भजन गाने शुरू कर दिए। शानुदा एक बात बताओ, आपका नाम हमने सुना केदारनाथ भट्टाचार्य था पहले, हाँ, तो फिर दादा कुमार शानु कैसे पड़ा नाम? ये एक्चुअली कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने अच्छा नाम दिया, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना बंगाली एक्सेंट बहुत होता है, जब गाता हूँ तो उर्दू तो आप लोगों को पता ही है उर्दू कैसा आता है मेरे मुंह से, तो कल्याण जी भाई ने मेरे को बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है, तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है, लेकिन जब तुम गाते हो ऐसा क्लियर उर्दू, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो, तो मतलब मैं तुम्हारा नाम यार शानु भट्टाचार्य जी नहीं चलेगा। अच्छा, शानु भट्टाचार्य जी लखनऊ से ना पहले से ही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि बंगाली क्या उर्दू बोलेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम ऐसा रखना चाहता हूँ कि तुमको पता ना चले कि तुम बंगाली हो। कल्याण जी भाई ऐसा ऐसा करते थे ना, कुमार कुमार शानु, तो उसी दिन से मेरा नाम कुमार शानु हुआ और उन्होंने ये नाम रखा, और उसके बाद तो जब जादूगर फिल्म में गाया अमिताभ जी के लिए तो फिर बस वही नाम चालू हो गया। अच्छा हमने ये भी सुना है कि अनुराधा जी का नाम भी पहले अलका था, आपने इसलिए तो नहीं चेंज कर लिया कि अगर अलका हुआ तो उदित जी छेड़ते रहेंगे? जनरली महाराष्ट्रियंस में शादी के बाद नाम चेंज करते हैं। अच्छा, इस वजह से मेरा नाम अनुराधा हुआ। ओके ओके। और मजे की बात यह है कि घर में अभी तक कोई अनुराधा बुलाता नहीं, ये अच्छा तो दुनिया के लिए हो गया, घर में सब अलका ही बुलाते हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त इनको नहीं मिली थी मैं। अच्छा। आज मैं अनुराधा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उस वक्त मिल जाता तो क्या करती आप? शायद अलका ही रखती फिर। कितनी प्यारी नेचर है उदित सर की भी, 10 मिनट में 20 बार हाथ पकड़ चुके हैं। देखिए इसका भी मैं कारण बताता हूँ। बताइए। कि जब हम अनुराधा जी के साथ रोमांटिक गाने गाते हैं जी, हम अलका याग्निक जी के साथ रोमांटिक गाना गाते हैं जी, यहाँ तक कि लता जी के साथ भी गाए हैं दिल तो पागल से लेके डर तक, तो क्या है जब तक हम गाने में पास में नहीं रहेंगे, रोमांस नहीं होगा दिल के अंदर, तो वो गाने में निखरेगा नहीं, राइट? तो वो भी एक रोमांस। ये कह रहे हैं कुमार शानू जी और अनुराधा जी कि सिर्फ तुमसे हमको मिलना है और तुमको ही सब बताना है, बीच में हम भी तो हैं। मतलब कहीं भी इसको रखो या अपना रोटी सेकेगा ही सेकेगा। एक बार जोरदार तालियां शानदार के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शानुदा, हाँ उदित जी, अनुराधा जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब जितने भी सेलेब्स हैं, फिल्म स्टार, सिंगर, सब लोग ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लोग कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं जी। हुँ।
पोस्ट का पोस्टमार्टम। ये उदित जी आपने कहीं अपने फोटो पोस्ट करी थी आप और आदित्य, नीचे किसी ने लिखा है कपड़ा सस्ता मिल रहा हो तो भी सेम नहीं बनवाना चाहिए। लोग बड़े क्रिएटिव हैं, जूते सेम नहीं हैं, उदित जी के जूते उनकी शादी वाले हैं। किसी ने नीचे लिखा है अच्छा पापा जल्दी करो अनु मलिक आ रहे हैं वो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। शादी में बाप बेटा, पापा आप रुको उधर से नान मैं ले आता हूं। रुको पापा वो अलका याग्निक नहीं नेहा कक्कड़ है। ये अलका जी से करते रहते हैं ना हंसी टिटोली, तो लोग देखते हैं तो वो उस हिसाब से कमेंट लिख दिया। और भी है हमारे पास, शानुदा की है फोटो, ये दिनो हाउ टू फिक्स यू विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। क्या हो गया सर, इवेंट वालों ने पैसा नहीं दिया या हैंगओवर नहीं उतरा? सर कौन सी लोरी गाई थी जो कुत्ता सो गया? सर टी शर्ट तो पहना दी डॉगी को, डायपर भी पहना देते गीला कर देगा। वाह कितनी फिक्र है। अभी आपका अनुराधा जी की फोटो है ऑफिशियल शत्रु बैक। मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। वाह वो तो है। मैम आप यही सोच रही हैं ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी की। नीचे किसी ने और लिखा नहीं, ये सोच रही हैं कि छत पे पापड़ सुखा के आई हूँ, बरसात आ गई तो क्या होगा। मैम इतना सोच लेती हो तो ये बताओ अनु मलिक सिंगर खराब है या शायद? अबे अनु मलिक जी लेजेंड है, किसी ने रिप्लाई किया है। नीचे किसी ने लिखा अनु मलिक जी झूठे अकाउंट बना के पोस्ट मत करो। झूठे अकाउंट बनाकर अनु जी खुद बड़ी मस्ती करते रहते ना शोज में, तो उनके फैंस भी ऐसे अब मस्ती कर रहे नीचे। भजन तो हो जाएगा, ये बताओ भोजन कहाँ लगा है? क्या बात है? ओहो ये अच्छा उदित सर की है। Honored to have received a doctorate from American University. सर जी कोई आपको टोपी पहना गया। सर आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, मेरे 3 दिन से पेट में मरोड़ चल रही है, इलाज बता दो। डॉक्टर बन गए ना आप। उदित जी ये राइट वाली कौन है? सर जी पता होगा एक्चुअली। सर जी ये डिग्री की खुशी है या दीदी की? क्या खाएं क्या ना खाएं ये कैसी मुश्किल है। सर बाहर जाके ठेले पे भुर्जी पाव खाओ, होटल में महंगा मिलेगा और मजा भी नहीं आएगा। मुझे लगा सर सोच रहे हैं इस होटल में गाना भी मेरा बज रहा है और डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। इसीलिए कहा था कि ऑर्डर मांगने से पहले रेट देख लिया करो, अब आ गया ना ज्यादा बिल। पीछे ब्लू वाली आंटी ऐसी लग रही है कि आज 2 लड़कों की शादी करवा के जाएगी। अच्छा पीछे जो दिख रही है जो पीछे ब्लू। आंटी आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं भी भजन गाता हूँ, आप चाहें तो सरनेम जलोटा भी कर सकता हूँ। बड़े वेले हैं पर क्रिएटिव पंच होते हैं। और भी हैं बताइए क्या बचा। ओ उदित जी फिर एक बार, उदित जी हाँ बहुत सारे अवार्ड हैं उदित सर, दोनों हाथों में लड्डू। उदित जी बच के रहना ये उड़ा ले जाएगी। अच्छा पायलट है, दिल तो पागल है लेकिन बीवी नहीं है, ध्यान रखना। ओ किसने लिखा आज आपकी स्माइल 1 इंच ज्यादा है। इतने कॉन्फिडेंस से पायलट को पकड़ा है, ये क्या आपका जहाज चलाती है? नीचे किसी ने लिखा माय फेवरेट सिंगर सुखविंदर सिंह। माय फेवरेट सिंगर इतना कुछ लिख के लास्ट में महिमा चौधरी से ज्यादा उसको पकड़ा हुआ। अब मैं आ गया, मैं आ गया। क्या बात है। ओ दशानुदा के लिखा जोगेश्वरी का जेम्स बॉन्ड।
खत्म बस और नहीं है। सपना क्या ये सब? प्रतिशोध, इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ा है, इसीलिए आज मैं बैंड बजा के रहूंगी। अच्छा नहीं मैं गुस्से नहीं, मेरे को मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने नया पार्लर डाले ला है। अच्छा आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा, आपको देख के मामा की याद आ गई, बहुत अच्छे लग रही। प्रणाम, कैसी है? हाय। अरे यार नाइस चेन। मामा की याद आई लेकिन आपकी जामा भी अच्छी है जो आप पहने। बाबा एकदम मेरे जैसा बात करते ना सपना है। ना ये घोड़ी पे दो लोग बैठे, दूल्हा कौन है इनमें से? ये जो आगे वाला है ना, नहीं नहीं ये तो सवारी है। हाँ पीछे वाले जो है ना, नहीं ये भी सवारी है। दूल्हा किधर गया? आपने मुझे पीछे छोड़ दिया। हाँ क्योंकि मैं आज की औरत हूँ ना, तो मर्द को मैं पीछे ही छोड़ूंगी। लेकिन तू तो मर्द है ना, तू तो मेरे को पूछ सकता था। अरे आपने पूछने का मौका ही नहीं दिया। बेटा यहाँ पर जो है ना मौका मिलता नहीं है, लेना मौका छीनना पड़ता है। क्यों अर्चना जी? ये क्या बात करते जा रही हैं? आज हमारी शादी है, गाना होना बजाइए। गाना होना बजाइए। गाना बजाइए, गाना सुनेगा। हाँ। अच्छा चल बाबू, कौन सा गाना सुनेगा बता? अब ब्लू है पानी पानी। ए, इतने बड़े सिंगर उदित नारायण जी तेरे सामने बैठे ले और तेरे को किसी और का गाना सुनने का है? तो फिर उदित जी का ही गाना बजा दीजिए। उदित जी का बजा दे? हाँ। तो फिर कुमार सानू जी के इधर भेलपुरी खाने के लिए आए ले। बात करते हैं ये। तो ठीक है फिर सानूदा का ही गाना बजा दीजिए। सानूदा का बजा दे? हाँ। तो मैडम का इधर लेडीज संगीत पे आई है। तो तीनों से गवा दीजिए। तीनों से गवा दे? हाँ। क्या अम्बानी का बेटा है क्या? तीनों से गवा दे। नाला सोपारा के नल्ले। नाला सोपारा के नल्ले। मजा आया ना? मजा आया। चल अभी जाओ। चल ओके बाय मम्मी। कैसे? ओए ओए बंद। तूने एक चीज नोटिस किया कपू? क्या? एक आदमी को बजाने को नहीं आता है तो चैनल को कितना पैसा खर्चा करके दूसरा बैंड बुलाना पड़े देते। ये उदित जी आपका आदमी है? हाँ। अरे काफी अच्छा, चोटी का आर्टिस्ट है ये, बहुत अच्छा है। ये दाढ़ी ये बनाता है कि नुचवा के आया बिल्ली से? क्या है उदित जी का? ये जो हाय हाउ आर यू, कब बजाओगे ये? और दादा कैसे, सब ठीक है ना? कोई ऐसा आपको टेंशन तो नहीं ना? तो इसलिए पूछ रही है। बहुत अच्छा दादा। बोलो, बोलो। आप खाना बीना बनाने का बहुत शौक है ना आपको? बहुत शौक है। अच्छा इनकी एक राज की बात बताओ कपू तेरे को। सही बात किया है। हाँ। खाना बनाने का बहुत शौक है। हाँ। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ जोर से क्योंकि ये सच बात है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ चार बंगला ना, इसको देखता हूँ अकेले अकेले मच्छी बाजार में जाके आप मच्छी खरीदता रहता है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि इसको टोकना नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा है कि माछेर झोल भात खावे। कपू मैं तेरे को सानूदा का एक राज की बात बताऊँ? क्या? ये घर पे कभी तेरे को बुलाएंगे ना? हाँ। तो बैलगाड़ी में जाना। क्यों? क्योंकि बोलते ना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो बैलगाड़ी में जाएगा ना तो धीरे धीरे जाएगा। और सपना जी। हाँ। इसके लाइफ में धीरे 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 से इसकी जिंदगी में कितने आई चली गई अभी बाकी है। ये तो पोल खुल गया, अभी तक भी इसका दिल भरा नहीं है। नहीं बहुत है, उदित जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आई लव यू। मैं इतना नहीं, इनको सुनने में मेरे को बहुत अच्छा, आप बुरा तो नहीं माने ना कुछ? कैसी बात कर रहे हैं, क्या
आई लव यू। थैंक यू। बैठी बैठी सर। अच्छा आप लोग इतने बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, तो मेरे को आपसे एक सवाल था सर। सर ये जो बैंक वाले जो रहते हैं जी, ये जो आपको लोन देते हैं जी, ये ब्याज पे देते हैं कि रियाज पे देते हैं? ब्याज पे देते हैं। अच्छा हाँ, रियाज पे देते तो फिर मजा ही आ जाता। हाँ सही। ये हाँ, ये कुमार सानू करवा सकता है, ये बैंक वाले से इसकी बहुत दोस्ती है और ये रियाज करके उसको भी चूना लगा देता है। वाह वाह वाह, मर गया उसको उठा। आप फेंट हो गया, फेंट हो गया। क्यों गए आप? 3 घंटा बोले, मैं आई क्या बीच में बोलने के लिए? मैं तो फैन हूँ, लेकिन के बीच में आप बोलते हैं, डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा सा ना। ये मेरी 2-4 मसाज ये भी बोल दीजिए, मैं चलती हूँ। सपना जी एक बात मैं आप दिल से बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर। कपिल जी। जी सर। आपका तो जवाब है नहीं, लेकिन मेरा सवाल भी नहीं है। नहीं सुनिए, अरे आप पूछिए तो सही। नहीं मेरे को कुछ हो गया। नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होगा सर। नहीं सुनिए तो सही, ऐसा मत करो सर। सपना जी, सपना जी, मेरे सपना जी, उदित जी छोड़ो मुझे। माय गॉड, उदित जी छोड़ो। उदित जी नकली है, वो असली नहीं है। अनुराधा मैम फर्स्ट टाइम आई, ले बहुत अच्छा लगा शो पे। मैम के लिए एक बार जोरदार ताली हो। मैम मैं सच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है जी। आपका वो गाना कितना मस्त है ना, धक धक करने लगा। आपको पता है पिछले साल लॉकडाउन में ये गाना पूरी दुनिया के पास था, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही थी ये गाने को। कैसे? क्योंकि घर पे कोई एक भी छींकता था ना तो बाकी सबको धक धक ही होने लगता था। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो आपको पता है रॉक घराने से हूँ। रॉक, रॉक घराना क्या होता है, ये कौन सा? मैं दिखाती हूँ, मैं रॉक लेकर आई है साथ में। ओह गॉड, रॉक घराना है। तेरे बस की बात है, तू मसाज वसाज कर उदित जी की, जो बहुत थके हुए हैं बोल बोल के। जब मसाज का इतना शौक है, मेरा पार्लर क्यों हटाया तूने फिर? हाँ। खैर सर, मैं तो पहले बार आया था उदित को मसाज का बात कर। हाँ जी हाँ जी, पहली बार तो मैंने मसाज ले लिया था। आप ले लिया था, लेकिन आप अपना शानू छोड़ गए थे फिर मेरे पास में। बहुत प्रॉब्लम है। खैर हमारे पास मसाज है अलग अलग टाइप का सर। एक मसाज है नजर के सामने जिगर के पास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नजर के सामने पार्लर टूट जाता है और जिगर के पास बहुत दर्द होता है। अच्छा मेरे जाने का टाइम आ गया। हाँ। इससे पहले मैं फिर बेहोश होके गिर जाऊं। मेरे को पता है सर, बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज करने, वो अनु मलिक जी वो आए थे मेरे पास मसाज करने। अच्छा किया। हाँ। अच्छा मसाज कर दिया उनका। अरे मसाज तो अच्छा किया, ऐसा मसाज किया कि काम ही काम है अभी। नहीं ऐसा मसाज किया मैंने, मजा तो उनको बहुत आया, लेकिन वो अपना मालिक छोड़ गए मेरे पास में। अभी मालिक मेरे पास है तो उनको पगार कौन देगा फिर? ओह गॉड, है ना, तो मैं उनका मालिक वापस करके आती है। अच्छा सर मैं जा रही हूँ, मैं चलती हूँ मैम। थैंक यू कृष्णा। ब्लेस यू, ब्लेस यू। क्या बात है यार, क्या बात है। अनुराधा जी आपने इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने के बाद एकदम से आपने जब भक्ति संगीत का गाना शुरू कर दिया, क्यों? मतलब लव लेटर ज्यादा आने लगे थे आपको? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुझे वो इनसिक्योर सा लग रहा था। अच्छा जी। और डिवोशनल हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, तो आई ट्राइड एंड स्विच टू डिवोशनल, क्योंकि डिवोशनल में हमारे बस बहुत सारा मटेरियल है जी। जो अगर आप डेडिकेटेडली नहीं करो तो
तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। राइट। तो जिस वक्त मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का पीक जिस वक्त था, जब आशिकी, दिलेक मानता, यही सभी फिल्में वगैरह बहुत हिट हुई, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिट किया और डिवोशनल्स किए। क्या बात है। नदी जी, आपने शानुदा के साथ भी, उदित सर के साथ काफी गाने गाए हैं, इन दोनों में से वैसे शरारती कौन है ज्यादा? शरारती है। शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे, मैम मिला तुम मिली, तो जब वो आते थे तो वो तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया? सवाल ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसा लगेगा, मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है क्या वो जलाते हैं खुजली गाने की? हाँ। गाने की कुछ थोड़ा सा है। तो क्या है कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है जो पहले खुद गा के रखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं अगर ये निकल जाते तो खामाखा सानुदा हिट हो गया। ठीक। तो इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनुजी आई लव यू, हाँ, उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना, ऐसे एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें व्हिस्लिंग हो, या व्हिस्लिंग बहुत अच्छा करते हैं अनुजी, हाँ, बहुत ही जबरदस्त, इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा। अनुजी एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो बैठे बैठे खड़े खड़े गाना बना देते हैं एक्चुअली, और वो दिल से निकलता है उसका, ये तो है। एंड अनुजी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनुजी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हमारे साथ तो अच्छा होता। हाँ। अच्छा उदित सर, कभी ऐसा होता है जैसे आप शानुदा बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते होंगे ना राधा जी, जहाँ पे कोई ऑलरेडी एक सिंगर गा रहा है और आप ही का गाना गा रहा है, फॉर एग्जांपल वो ऐ अजनबी गा रहा है और उसने गाया और सामने से कोई बंदा उठ के उसको 500 रुपए दे गया कि क्या बात गाया है, तो आपने वहां जाके 250 लिए उससे कि गाना तो मेरा है? है? मैं खुश होता हूँ कि चलो हमारे गाने गा के लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो होता ही है, बड़ी बात है, बिल्कुल, बहुत बहुत। जैसे हम छोटे थे तो रफी साहब या लता जी जितने भी बड़े सिंगर्स थे उनको सीख के हम यहाँ आए, तो आज हो सकता है कि हम लोगों के गाने गा के वो पैसा कमाते होंगे, नाम करते होंगे, तो हमें कितनी खुशी होती बिल्कुल, है बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। जैसे आपने रफी साहब का नाम लिया, मैंने सुना वो भी बड़े मजाकिया किस्म के थे रफी साहब भी? रफी साहब बड़े ही जैसे भोले थे ना, तो मजाकिया भी ऐसे थे। अच्छा, लता जी भी कम नहीं है जी, चाहिए करेक्ट। डीडीएल जी के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में, तो लता जी आई और मैं गाना गा रहा था, मैं दो लाइन गाया था, लता जी आ गई, और वेस्टर्न आउटडोर में एक डोर है जो ग्लास लगे हुए हैं वहां से दिखता है, तो लता जी को देखते ही मेरे तो होश हवास उड़ गए, तो मैंने बोला दीदी आप रहोगे तो मैं तो गा नहीं पाऊंगा, तो बोली कि नहीं मैं पर्पसली आई हूं तो तुम्हारा गाना सुनने, और मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बोला पॉसिबल ही नहीं। तो यश जी आए, बोले एक काम करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, खाना मंगाए उन्होंने, हम लोग खाना खाए, इतनी जोक सुनाए लता जी, एक से एक जोक, हंस हंस के मैं थक गया, फिर भी मैंने कहा कि बस आप यही रहिए, मैं पहले मुझे गाने दीजिए फिर आप आना, लेकिन वो मानी नहीं, बैठी रही, मैंने गाना गाया। ये तो बहुत सारा गाना गा लिया था लता जी के साथ, ऐसा हालत हुआ था। आप सोचो कि कलकत्ता के गली में मैं हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में, तो मुझे मालूम है कि सनी में सेकंड फ्लोर में जो स्टूडियो हुआ करता था उसमें बैलेंसिंग रूम में नया साउंड करके एक फिल्म था जिसमें बापीदा का म्यूजिक था। अच्छा जी। और मैं कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम, मैं जानता भी नहीं था कौन मेरे साथ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, तो मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, मैंने ऐसे कैजुअली लिया सब कर रहा है, अचानक देखा कि दरवाजा खोल के एकदम सफ़ेद साड़ी में लता जी एंटर किए,
तो सोचो कि उदित जो बोल रहा था ना कि उनका हालत, तो मेरा भी वही हालत था। मैं तो उनको देख के पहले बोला, पैर छुआ और बोला कि मैं गाना कैसे गाऊंगा आपके सामने। तो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक गाओगे, तुम एकदम चिंता ना करो, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को हौसला बढ़ाया उन्होंने, फिर हम दोनों ने गाया वो प्यार तुम मुझसे करती हो। फिर बाद में तो बहुत सारे गीत लाइन से, एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। बट लता जी का एक चीज देखा मैंने, हमने सीखा उनसे सीखा बिल्कुल कि सिंगर कोई भी हो साथ में उसको डोमिनेट मत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। ये शिक्षा उन्होंने दिया था हमें और वही आज भी वही चल रहा है। क्या बात। पर अच्छा, लता जी के किस्सों की बात चली तो फोन की बात हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते थे, हमारे सेट को आग लग गई, तो सबको पता था, बहुत न्यूज व्यूज में आया था। तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं उठा के चलो कोई नहीं, फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे। तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था। तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था, मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया, मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट? तो मैं गाड़ी साइड पर लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कह अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन और फिर मुझे फोन आया कि हम लोग लोखंडवाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ यू नो खराब ना हो जाए। सो लता दी वी लव यू। और वी लव यू लता जी, वी लव यू। थैंक यू बॉयज, लव यू गर्ल्स। हेलो अर्चना जी। हेलो सुदेश, हाय। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, इन महान कलाकारों के जो मुझे दर्शन करवा दिए हैं, कपिल लव यू यार, लव यू। थैंक यू। मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बताओ कि पहले वॉशरूम किधर है? क्यों? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। उदित जी ये नकली अरिजीत है। क्या बात है, क्या क्या कहा आपने? ये नकली अरिजीत है। तो क्या ये भी सब नकली? नहीं, ये असली है। I'm sorry. एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपिल शर्मा शो में तो वो लड़कियाँ लड़के निकलाते हैं, लड़के लड़कियाँ निकलाते हैं, सिद्धू अर्चना निकलाता है। यहाँ वैसे ही है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया, इसमें बहुत सारी मेहनत। मैं क्या बताऊँ आपको, बता क्या, क्या राज क्या है आपका? घमंड। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, पहले पूरी बात सुन लिया करो। अच्छा। घमंड एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता। वेरी गुड। मैं आज भी कोई गरीब हो अमीर हो, मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता, मैं सबके फोन उठाता हूँ। 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं, मैं बेचने लेना किसी ने। खैर सर, शनदा आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हम दिल्ली एयरपोर्ट में मिले थे, आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए। इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी, मुझे कहते मेरा बैग अंदर रख। ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया, मैं कभी नहीं भूल सकता सर। क्या बात है, अब बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ, सिंगर हूँ, अब गाओ शानुदा के सामने। सिंगर मैं, सिंगर क्या, मैं गाने लिखे भी हैं, शानुदा ने इतने गाने गाए हैं आपको पता नहीं। आपका वो गाना बंगाली गाना मैंने लिखा था। आपने लिखा है? हाँ, अभी अभी लिखा है, मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना, मैं बाहर लिख के याद करके आऊँ सर। बापिदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो। सर मैं आपको बोलूं ये सच है, आप जैसा कोई नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी, 5 मिनट में मैं थक गया। आप इतना हंसमुख मुंह बना के जो गाते मेरे से नहीं होता सर, धन्यवाद। गिटार बजा के गाना, मतलब आपके पास ऐसा है पंच, इसीलिए आप खाते रहते हो लंच। सर जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन। ये पंच जब बेटा सुनेगा ना खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं। मैं सच्ची बताऊं सर, आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूं, इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूं, लेकिन अनुराधा जी, अच्छा बताइए, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूं, इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है प्लीज? इजाजत है? प्लीज प्लीज। कैसी लगी उनकी आवाज, जोरदार ताली। ओह माय गॉड,
नमस्कार नमस्कार दादाजी नमस्कार। अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड है, आपको शर्म आती है? हेलो हा? इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आप सोनी वालों को बोलो कि कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ। अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ। किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इतने खुश हुए उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी। हाँ कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है, कान के पीछे सट मारी उन्होंने। ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उदित जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, है? म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया। शराफत शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं करता। वाह 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 वाह। अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था, पूछो पिंकी को जाके। पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है, लेकिन ये मेरे मेरे पति ये ऐसे है कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो, शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार, पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानू साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी, सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती है? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे आए हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा, आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये, मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके 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 चले जा रहे। सर ये लड़ाइयां तो होती रहेंगी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी, हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था, एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।
बेटा ले जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात, क्या बात है। दादा हमारे यहाँ पे ना एक हमारे गांव के हैं एक छेड़ूलाल जी, उनको मैं बोलता हूँ, मैं कहा जब भी मेहमान आए बीच में नहीं आना, पर वो आता है। अच्छा, वो कुछ सवाल पूछता है, आप चाहे तो जवाब दे देना, वो ऑनलाइन ही आते हैं, सामने नहीं आते। ओ, अच्छा छेड़ूलाल जी। अच्छा अल्लाह जी, मैंने सुना है आप इतने धार्मिक हैं कि आप अगरबत्ती के पास से भी निकलती है तो अपने आप जल जाती है। अच्छा मैंने सुना है आप लोग इतना मीठा गाते हो कि लोग आपकी आवाज में खो जाते हैं, तो वो फिर अपने आप मिल जाते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लगानी पड़ती है। और भी है दादा, और भी। उदित जी आपके घर में सारे गाने वाले हैं, तो आपका साबुन राग बनाता है कि राग? ये प्यार है आपका, झाग के साथ राग बन जाता है। आहा, झाग के साथ राग के साथ साबुन का झाग बन जाता है। अनुराधा जी आपका एक गाना है ना कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको सामने वाले पे प्यार आता है? मैं फिर उसी दिन आपको फोन करूंगा। जी कभी कभी बीवी नाराज होके मायके चली जाती है ना, जैसे मेरी आज गई हुई है, तो आपकी अगर चली जाती है तो फिर आप उनको मना के लाते हो कि सारी जिम्मेदारी नारायण पे छोड़ देते हो। अच्छा नारायण सब कुछ उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सब उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा कुमार चानू जी, आप इतने मीठे गाने गाते हो तो आप शुगर फ्री वाले गाने क्यों नहीं गाते, ताकि शुगर के पेशेंट भी सुन सके? बहुत अच्छा। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं उदित जी। ये देखो ये सर जो पीछे बैठे, कैसे सर, क्या नाम है सर आपका? नलिन पालेजा। अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप काफी एंजॉय कर रहे हैं मैसेज? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अकेले हैं आप, शादीशुदा नहीं है? अच्छा वाइफ के साथ आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी आपका मैं बहुत फैन हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। और इंस्टेंट कॉमेडी जो करते हो, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा आज यहाँ पे क्योंकि म्यूजिक स्पेशल एपिसोड है, तो आज हमारे यहाँ पे खास मेहमान आए हैं। अच्छा चंदा, ये मल्टी टैलेंटेड है, एक ही आदमी अपने आप में पूरा ऑर्केस्ट्रा एक्चुअली। सो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ग्लैडसन पीटर। पीटर क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम आपको बैठने को भी नहीं बोल सकते। हाँ। क्योंकि इतना कुछ सामान डाला है, पता नहीं मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर wonderful, आपने wonderful. इतना कमाल का बजाया, सीरियसली फैन हो गए हम आपके। Thank you, sir. पीटर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई से रहता हूँ। अच्छा तो ये आइडिया कहाँ से आया एकदम सारे? आपके भी कोई ऐसे दोस्त थे जिनको बजाना नहीं आता था, फिर आपने सोचा मैं ही बजा लेता हूँ सारा? शायद ऐसे भी हो सकता था। अच्छा एक्चुअली मेरा कैसा है कि ये मेरा ड्रीम नहीं था। अच्छा लेकिन मुझे भगवान ने क्या बोलते कि ड्रीम में बताया कि ऐसे कुछ करो। अच्छा असल में आई हैव लॉस्ट मोर देन 60% लंग्स पैसिव स्मोकिंग की वजह से, मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे। ऐसा कौन इतना स्मोक करता था आपके पास, 60% ऑफ लंग्स ऑफ योर्स हैव गॉन? मैं जब भी कॉलेज में था एंड उसके बाद मैं कॉल सेंटर में भी मैं थोड़ा काम किया था। सो पीपल यूज्ड टू स्मोक अराउंड यू? हां जी। हाउ डेंजरस दिस इज, पीपल शुड नॉट स्मोक। या इट इज। हां आगे बोलिए। तो क्या हुआ था कि मेरे जो भी होप्स ड्रीम्स थे पूरे शैटर हो चुके थे। जब भी हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने, जब भी मैं एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि You cannot even play a flute. अच्छा तो मेरा ये मानना है कि हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशन आए तो उसका कोई रीज़न होगा एंड मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। तभी भगवान ने मुझे एक ड्रीम दिया कि जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तुमको जो आते हैं साथ में लेकर बजाओ। तो ये बड़ा कमाल का टैलेंट है यार, बड़ा कमाल का टैलेंट है, बहुत रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। थैंक यू पीटर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे शो पे। आप आए, थोड़ा आपने इमोशनल भी कर दिया, लेकिन जो आपका फन है, जो आपका आर्ट है, ये कमाल का है और मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स लॉट। आइए
प्रणाम, मायसेल्फ इज चंदू जी। चंदू, ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं वन एंड ओनली चेयरमैन। क्या बात है, चेयरमैन काहे का डरा है, बैठने के लिए चटाई नहीं दुकान में, चेयरमैन बना फिरता है। यार क्या क्या कहा तुमने, चेयरमैन तू कैसे बन गया? बैठने के लिए चटाई नहीं तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ। ऐसे तो तुम कहोगे टेबल फैन के पास टेबल नहीं होता तो वो क्या टेबल फैन नहीं होता? हैंडपंप के साथ हैंड नहीं होता वो क्या हैंडपंप नहीं है? क्या कैसी बातें करते रहते हो यार, पढ़े लिखे भी लोग हमारा शो देखते हैं। लॉजिक है, लॉजिक है इसके बातों में। हाँ बिल्कुल लॉजिक है दादा। दादा मैंने आपका गाना सुना था, इस बात तुम्हें तो अपना बनाने की कसम खाई है। हाँ, अच्छा। लेकिन इस बंदे ने मेरी हर बात काटने की कसम खाई हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है। अरे थैंक यू। और अनुराधा जी, स्पेशली मेरे पापा महेंद्रपाल जी आपके बहुत बड़े फैन है, अगर आप उनका नाम ले देंगी टीवी पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। नमस्ते महेंद्रपाल जी, कैसे हैं आप? क्या बात है, वाह वाह। मेरे चाचा जोगेंद्रपाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप प्लीज उनका नाम भी। यार चंदू, जोगेंद्रपाल जी कैसे हैं आप? जी क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू सो मच। मेरे फूफा जो चाचा था, फूफा लगा के रखा। यार लास्ट वाले बुलवाने में पैसे उन्होंने देने मेरे को, ऐसे पैसे कमाता है तो आपने शुरू में स्पॉन्सर्स के नाम लेते। खैर मैं उदित जी आपको बधाई देना भूल गया, बहुत बहुत बधाई हो, घर में नई नवेली बहू आई है जी। सुबह सुबह चाय मिलती होगी। अच्छा लग रहा है घर में? अच्छा लग रहा है जी जी, वो आज पता चल ही रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो आपने मेरी दुकान से चाय पत्ती लेनी है। तू क्यों मेरे गेस्ट के सामने अपनी दुकान लेके आ जाता है? मैं आपके गेस्ट के सामने दुकान नहीं लेकर आता हूँ, आप मेरी दुकान के सामने गेस्ट लेकर आ जाते हैं। कल जाओ अपनी दुकान पे जाके अपने कस्टमर को देखो। चलो कौन से कस्टमर है, मेरी दुकान पे कस्टमर कभी देखा है आपने? सुबह से लेकर सर शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ, सिर्फ कल एक मक्खी आई थी, वो पूछ रही थी भैया गुड़ है, मैं क्या क्यों क्या करना है? कुछ नहीं, बैठना है ताकि आपको कंपनी मिल सके। बहुत अच्छा यार चंदू जी, थैंक यू सर। आप सर अगर मेरी दुकान पे रिबन काट देंगे तो प्रमोशन हो जाएगी सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं जी। कहाँ रिबन? रिबन वो देखो, इतना मोटा रिबन लगा, रिबन फाड़ना है या काटना है? अरे दादा वो रिबन के साइड में चोटियां भी किसी की काट लाया मुझे लगता है। तो किसकी चोटियां है ये? जो चोटियां है आज मैं सबको बताऊंगा किसकी है, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया दादा, ये चोटियां मेरी है। अच्छा हाँ जी, वो तो जिद करके मैंने दुकान खुलवा ली, नहीं तो मेरे को ये लड़की बनाने के चक्कर में था। आप सर प्लीज, वो कोई ओपनिंग नहीं होगी, दो चार मसाले दालें रखी और दुकान की ओपनिंग करवा रहा है। क्या बड़ा काम कर कोई, कौन किराने की दुकान पे बड़ा काम, क्या हेलीकॉप्टर बेचने शुरू कर दूं मैं? देखिए मैं तो एक गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आया हूँ। अच्छा जी, थैले में गिफ्ट हैम्पर? गिफ्ट हैम्पर, वाओ ड्राई फ्रूट जी, ड्राई फ्रूट के डब्बे में देखो क्या? आटा और दाल डाल के लेके आया है। ये देख लो, हरकते दे, इसीलिए नहीं ये डाल खाता। ये क्या है? अच्छा ड्राई फ्रूट के डब्बे में मैं दाल आटा लेकर आया हूँ और तुमने जो मर्दों में औरतें डाली हुई हैं वो। प्लीज यार मेरी दुकान की इनॉग्रेशन करवा दो फटाफट। क्या करवाना है यार? इंग्लिश में तुम जो मैं बोलता हूँ पहली बार में क्यों नहीं सुनते? खैर सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा रिबन काट दे तो अच्छा लगेगा। ये अगर कपिल बोलेगा तो मैं करूंगा। अरे दादा कोई रिबन विबन नहीं काटना, खुद ही अपने दादा का पजामा काट के बैग बना के ले आया। नहीं सर पता है बड़ा जरूरी है, अगर नहीं इसकी ओपनिंग की ना तो अंदर पड़ा पड़ा सामान सारा एक्सपायर हो जाएगा। जब हो भी गया सर सारा सामान एक्सपायर, आटा पड़ा पड़ा सीनियर सिटीजन हो गया सर, दाल मुंह फुलाकर बैठी हुई है। 1.5 किलो चने रखे थे मैंने अंदर, सबको दाढ़ी मूछ आ चुकी है। ओह गॉड, चूहे खा खा के इतने तगड़े हो गए हैं, कल उन्होंने बिल्ली घेर ली। नॉर्मली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कल वो बचाव बचाव कर रही थी। अंडों की तो मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं, 3 जनरेशन आगे चले गए हैं वो। वो मुर्गियां बन गई हैं अर्चना जी, और अपने चूजों को कहानियां सुना रही है। Woo!
कहते इस दुकान की ओपनिंग वो तब होनी थी जब हम छोटे छोटे अंडे हुआ करते पक, 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 पक। क्या बात है, क्या बात है, चाहता क्या है? मैं सर ये चाहता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप बस एक जिंगल ही गवा देंगे, तो फिर जैसे दुकान चलने लगेगी मैं इनको वो देता रहूंगा अपना रॉयल्टी। नहीं यार, ग्रीन टी, ग्रीन टी मेरी बिक नहीं रही, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो। सो उदित सर आप प्लीज अगर जिंगल गा दें। ये जिंगल कहाँ से लाऊं? मैं देता हूँ सर आपको जिंगल, ये लीजिए ये। हाँ सर, आपका मैं सामान पैक करवा देता हूँ, जो जो चाहिए आपको। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। ओके जी, बड़ा खुश हो गया ना तू। एक बार शानुदा उदित सर और अनुराधा जी के लिए जोरदार तालियां। आइए दादा।